राधे राधे। आप सभी जानते हैं कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनने जा रहा है और उसकी इनॉग्रेशन जो है वो 22 जनवरी को हो रही है। पूरे देश के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि काफी सालों से, इनफैक्ट काफी दशकों से इस मंदिर को बनने के लिए संघर्ष हो रहा था, जो फाइनली अब जाकर पूरा हो रहा है। मैं इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो फाइनेंस रिगार्डिंग है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो मैं उसी पर आता हूं। अब अयोध्या के अंदर काफी तेजी से ग्रो होगा, बल्कि ग्रो होना चालू हो गया है। टूरिस्ट लोग भर भर कर वहां पे आ रहे हैं। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिनको राम मंदिर बनने से काफी ज्यादा फायदा होने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। तो टाइम से अगर हमने इन्हें पकड़ लिया तो हम एक काफी अच्छी रैली का पार्ट बन सकते हैं। सो फिर स्टार्ट करते हैं राम मंदिर से बेनिफिट होने वाले स्टॉक्स की लिस्ट। सबसे पहले आप सभी जय श्री राम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, इतना तो लिख ही सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन हिट करना, तो मैं हर वीडियो में आपको बोलता ही हूं, वो तो आपने ऑलरेडी कर ही रखा होगा। सबसे पहले तो होटल इंडस्ट्री में इसका फायदा होगा, क्योंकि अब टूरिस्ट जो है वहां पर अयोध्या में आना चालू करेंगे। जिन कंपनीज के वहां पर होटल है, टेंट्स है, या फिर कह सकते हैं स्टे अकोमोडेशन है, या पहले से बने हुए हैं, उनको अब फायदा मिलने वाला है, क्योंकि डिमांड इतनी है, लोग भर भरकर अयोध्या में आ रहे हैं। तो देखते हैं कि इस एरिया में कौन कौन से ऐसे स्टॉक है जिन्होंने वहां पे अपने होटल्स बना रखे हैं। फर्स्ट वन इज अपोलो सिंदूरी होटल्स। इस कंपनी ने अयोध्या में मल्टी लेवल पार्किंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश करी है, अयोध्या टैडी बाजार के पास में। ये पार्किंग फैसिलिटी 3000 स्क्वायर मीटर की है। ऑब्वियस है, जब वहां टूरिस्ट आएंगे तो वहां बाजार में पार्किंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए इस कंपनी ने उसका इंतजाम पहले ही कर दिया है। पार्किंग फीस से काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है कंपनी, एंड साथ ही साथ कंपनी ने रूफ टॉप रेस्टोरेंट भी बनाया है, जो एक साथ में 1000+ पर्संस को एकोमोडेशन दे सकता है, इसलिए स्टॉक की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। वैसे ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, इस कंपनी का मार्केट कैप जो है 650 करोड़ का है। इनका बिजनेस ग्रोथ 2.5 गुना हो चुका है ऑलरेडी, तो ये स्टॉक आपके रडार में जरूर होना चाहिए। सेकेंड स्टॉक जिसकी बात करने वाला हूं वो है परावेग। इस कंपनी का काम जो है वो लग्जरी टेंट्स एस्टैब्लिश करने का है टूरिस्ट प्लेसेस के। अभी 2 मंथ पहले नवंबर 2023 के अंदर इस कंपनी ने लग्जरियस रिजॉर्ट बनाया है अयोध्या में ब्रह्मा कुंड के पास में। इस रिजॉर्ट के अंदर 30 टेंट है और एक रेस्टोरेंट है, जिससे इसकी डिमांड बढ़ गई है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप 2700 करोड़ का है। FII जुलाई से इसमें होल्डिंग को अपनी कंटिन्यू इंक्रीज कर रहे हैं। बिजनेस की ग्रोथ जो है काफी शानदार है। लास्ट 5 साल में कंपनी ने 390% का ईयरली ग्रोथ किया है। इस कंपनी को भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड जरूर कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन होटल की। इस कंपनी ने एग्रीमेंट साइन किया है 2 ग्रीनफील्ड होटल को ओपन करने का। वैसे इन होटल्स की ओपनिंग 2027 में होगी, बट ये न्यूज आते ही स्टॉक में डिमांड बढ़ने लगी है। अब हो ऐसा रहा है कि जो भी कंपनी अगर वो अयोध्या में कुछ भी करने का डिक्लेयर कर रही है, तो उससे उसका प्राइस जो है वो बूम कर रहा है, क्योंकि जब होटल 2027 में बनेगा तो ऑब्वियस है इंपैक्ट बिजनेस में उसके बाद ही आएगा, बट प्राइस जो है अभी न्यूज से भागने लगे हैं। वैसे एक कंपनी जो है वो मिड कैप कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 65,000 करोड़ का है। फॉरेन इन्वेस्टर जो है इसमें काफी स्पीडली अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा स्टॉक हो सकता है, आप सभी के पोर्टफोलियो में इसको होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की। अब देखिए, लोग जो है यहां पे अयोध्या में भर भर कर आ रहे हैं, तो वो किस तरह से आएंगे सोचिए जरा। कुछ लोग ट्रेन से आएंगे, तो कुछ लोग फ्लाइट से आएंगे। ट्रेन सेक्टर में टिकट बुकिंग में मोनोपोली स्टॉक एक ही है, IRCTC। लाखों करोड़ लोग अयोध्या में आने वाले हैं, तो इस स्टॉक पे हमारा फोकस होना ही चाहिए। इस स्टॉक में एक खास बात यह हो रही है कि सभी बड़े प्लेयर्स इसमें एंट्री कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड्स, ये सभी जो है इसमें काफी टाइम से अपना स्टेक कंटिन्यू इंक्रीज कर रहे हैं। और आपको पता है कि इनका स्टेक कम हो रहा है आम पब्लिक का? जी हां, पब्लिक मतलब हम लोग इसके अंदर अपना स्टेक बेच रहे हैं और बड़े बड़े लोग इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं। यही होता है, जिस स्टॉक पे हमें फोकस करना चाहिए ना जाने ना चाहते हुए भी हम उस स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो से निकाल देते हैं,
और निकालने के बाद ही वो स्टॉक बूम कर जाता है और फिर हम सोचते हैं कि अरे एक अच्छा मौका हमने मिस कर दिया। इस स्टॉक की डिमांड तभी खत्म नहीं हो सकती, ये एक लार्ज कैप कंपनी है, पूरी तरह से मोनोपोली है अपने एरिया के अंदर। जिसको भी ट्रेन में ट्रेवल करना है वो किसी भी ऐप से टिकट बुक करे, उसको एट द एंड यहीं आना पड़ेगा, चाहे पेटीएम से हो, चाहे मेक माई ट्रिप से हो, चाहे इज माई ट्रिप से हो, कहीं से भी हो, सबको एट द एंड आईआरसीटीसी पे आना पड़ता है, बाकी सभी थर्ड पार्टी ऐप है। इसलिए आपके पास ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होना ही चाहिए। अब जो लोग फ्लाइट से आते हैं अब उन पर फोकस कर लेते हैं। इंडिगो ने सबसे पहले अयोध्या जाने के लिए फ्लाइट लॉन्च करी है। इंडिगो ही फर्स्ट एयरलाइन है जिन्होंने दिल्ली टू अयोध्या की डेली फ्लाइट लॉन्च करी है, एंड साथ में कुछ अदर बिग सिटीज से भी इन्होंने वीकली में दो या तीन फ्लाइट को लॉन्च कर दिया है। तो इस स्टॉक को भी हमें अपने रडार पे रखना होगा, क्योंकि जब लोगों के पास फ्लाइट ऑप्शन में ओनली इंडिगो का ऑप्शन होगा तो ऑब्वियस है कि सब लोग यहीं से बुक करेंगे, इनका बिजनेस बढ़ेगा। यहां भी सेम चीज, एफआई एंड म्यूचुअल फंड्स ने लास्ट एक दो साल में इसमें अपनी पोजीशन को इंक्रीज किया है, एंड डीआई ने भी रिसेंट वाले क्वार्टर में अपनी पोजीशन इसमें बढ़ाई है। फाइनेंशियल की बात करें तो इस कंपनी ने अपने सेक्टर से अलग ही ग्रोथ शो करी है, जहां पूरा सेक्टर 3% ग्रोथ शो कर रहा है ईयरली, वहां इंडिगो ने हर साल 18% की ईयरली ग्रोथ शो करी है लास्ट 5 ईयर में बात करें तो। इसको भी आप अपने नोट लिस्ट में रखना, जब सही मौका मिले आप इसमें एंट्री लेने का सोच सकते हो। एक और स्टॉक है जिसको मैं आपकी नजर में डालना चाहता हूं, जेनेसिस इंटरनेशनल। इस कंपनी ने अयोध्या का ऑफिशियल मैप डिजाइन किया है, 2D नेविगेशन एंड 3D डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर सिटी का। आप सभी को पता है कि आजकल ट्रैवल में मोस्टली लोग मैप्स का यूज करते हैं, कोई शॉप हो, कोई मार्केट हो, या कुछ भी सर्च करना होता है तो हम मैप से ही उस जगह के डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। आपने होटल जाना है तो हम मैप से यूज करते हैं, तो सभी लोगों को इस कंपनी के मैप फीचर का यूज करना ही पड़ेगा अयोध्या के अंदर। यह एक स्मॉल कैप कंपनी है, इस कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 1850 करोड़ का है, IT सेक्टर से बिलोंग करती है, बिजनेस ग्रोथ अभी तक कुछ खास नहीं हुई थी बट अब आगे हो सकती है, इसलिए इसको मैंने आपकी नजर में ऑलरेडी डाल दी है। सो मैंने वो सभी स्टॉक्स जिनको राम मंदिर बनने से फायदा होने वाला है आपको शेयर कर दी है। ध्यान रखना, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अभी जाकर इनको बाय कर लो, मेरा काम आपको एजुकेशन देने का है, सही जानकारी देना है, बाकी डिसीजन जो है वो आपको बनाना होगा अपने बेस पे। आपको सही लगे तो बाय करो, नहीं लगे तो ना करो, सिंपल सा लॉजिक है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। सभी लोग प्लीज जय श्री राम नीचे कमेंट में लिखकर अपना प्यार जरूर देना। इस वीडियो पे लाइक तो बनता है यार, एंड फैमिली में सभी तक ये वीडियो को आप शेयर कर देना ताकि सभी के नजर में इन स्टॉक्स के टाइम रहते ही लिस्ट पहुंच जाए। कोई और कंपनी हो जो अयोध्या में राम मंदिर बनने से फायदा ले सकती है या कोई न्यूज हो ऐसी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, बाकी सभी को जानकर अच्छा लगेगा और मुझे भी खुशी मिलेगी कि आप सब कितना अवेयर हो इन चीजों से लेकर। आप लोग कब अयोध्या जाने का प्लान कर रहे हो या ऑलरेडी आपने प्लान कर लिया है उसके बारे में नीचे शेयर जरूर कर देना। आप सब मेरी फैमिली का ही पार्ट हो तो आप सब क्या कर रहे हो वो शेयर करोगे तो अच्छा लगता है यार। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट आपने कर ही लिया होगा, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।